हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताने वाला हूं जो कोई नहीं बताएगा। तो ये बाइक के मैं ड्रॉबैक्स बताने वाला हूं कि इसमें क्या कमी होती है। तो सबसे पहले चीज़ बता रहा हूं मैं आपको कि सबसे बड़ी कमी क्या होती है इसकी, कि आप इसको राइड करेंगे ना कुछ टाइम बाद, तो इसका जो हैंडल है वो लूज़ हो जाएगा। और हल्की सी आपकी रोड ख़राब होगी ना तो बहुत जल्दी हैंडल लूज़ हो जाएगा, और आप जब डिस्क ब्रेक मारेंगे तो टक टक करके आवाज़ करेगा। तो क्या करना पड़ता है गाइस, उसके लिए आपको ये टाइट करना पड़ता है, और ज़्यादा लूज़ हो जाता है गाइस तो नीचे से टाइट करना पड़ता है। तो ये R15 V4 R15 M का एक बहुत तगड़ा ड्रॉबैक्स है। उसके बाद दूसरा ड्रॉबैक्स जो आपको बता दूं मैं, इसकी जो चेन है वो 7000 किलोमीटर चलाने के बाद में पूरी लास्ट लेवल तक आ जाती है। अभी आप देख रहे होंगे मैंने लेवल इसका फर्स्ट कर दिया, क्योंकि मैंने चेन कटिंग कर रखी है। आई बटन पर क्लिक करके आपको वीडियो मिल जाएगा गाइस। मैंने पूरा चेन को कटिंग करके पूरा टाइट कर दिया है, और इसमें लॉक सिस्टम लगा दिया है, और लॉक सिस्टम काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं हुई है। तो गाइज़, ये भी बहुत मेन प्रॉब्लम है इसका और मेन ड्रॉबैक्स है ये जो आपको बता रहा हूँ मैं। 7000 किलोमीटर चलाने के बाद इसकी चेन का लेवल एकदम लास्ट लेवल पे आ जाता है, मतलब इतनी लूज़ हो जाती है कि आपको चेन नया डलवानी पड़ेगी, जो यमा वाले कहते हैं। बट लेकिन मैंने सेटिंग करके, अपना जुगाड़ करके, ये मैंने चेन को कटवा करके इसको फुल टाइट कर दिया, और ऐसी कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो जो मैंने सोल्यूशन अपनाया वो सही सोल्यूशन है अभी तक, बिकॉज मैंने लगभग 600 किलोमीटर चला दिया है चेन टाइट करने के बाद, जो कटिंग करने के बाद। तो गाड़ी बिल्कुल नॉर्मल चल रही है और बिल्कुल भी लूज़ नहीं हुई अभी तक, ठीक है। ये इसका दूसरा ड्रॉबैक्स है। तो गाइस, आपको तीसरी ड्रॉबैक्स मैं बताता हूँ कि इसका जो रियर वाला ब्रेक है, हाई स्पीड में आप जब इसका ब्रेकिंग करेंगे ना तो आपका लगेगा कि इसका टायर पीछे का रपट रहा है। लेकिन इसका ABS का सिस्टम ही इस तरीके से बनाया गया है कि हल्की सी इसके टायर रपटेगी, फिर उसके बाद ABS काम करेगा एकदम फुल्ली, एकदम डायरेक्टली आपको वाइब्रेशन फील नहीं होगा। तो टायर हल्का सा रपटता है जब हम इसको हाई स्पीड में ब्रेक करते हैं ज़ोर से, तो पीछे का ABS इस तरीके से काम करता है कि टायर रपट जाता है और उसके बाद ABS काम करता है। तो ये भी एक यमा R15 V4 और R15 M का ड्रॉबैक्स है। और गाइस, आपको बता दूँ, इसकी जो मेन लाइट ना, हेडलाइट, वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद ना और डाउन जाती है। मतलब आप डाउन तो होती है, इसको आप अप करेंगे सेटिंग से, नीचे से सेटिंग होता है इसका, तो उससे अप करेंगे, लेकिन कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिकली इसका हेडलाइट डाउन हो जाती है, फिर आपको दोबारा सेटिंग करनी पड़ती है। तो ये भी एक कमी है गाइस, ऑटोमेटिकली होने वाली चीज़ जो खुद ब खुद जो अपनी बाइक में हो जाती है, तो ये ऐसा है। तो एक और कमी बता दूँ आपको कि इसकी जो टायर दी गई है ना, जो R15 V4 M है, तो वो टायर बहुत जल्दी घिस रहा है। हल्का फुल्का मैंने बर्नआउट मारा, आप देखो कि 7000-8000 लगभग चली है मेरी गाड़ी, और कितनी ज़्यादा टायर घिस गई है इतनी जल्दी। तो पता नहीं कौन सा रेडियल टायर बोल रहे इसको। और आपको एक और चीज़ बता दूं कि जो टायर की क्वालिटी में आगे का टायर इसका रेडियल नहीं दिया है, तो ये बहुत सबसे बड़ी कमी है यार। कम से कम 2,20,000 रुपये आप लोग ले रहे हो, लेकिन दोनों तो रेडियल टायर देना चाहिए था, आगे का टायर रेडियल नहीं है गाइस, ये एक बहुत ज़्यादा तगड़ी कमी है ना गाइस। कॉन्फिडेंट लेवल थोड़ा सा गिर जाता है, आगे का टायर अगर रेडियल हो जाता ना तो आपका कॉन्फिडेंट लेवल और बढ़िया हो जाता, अगर आप हाई स्पीड में इसको राइड करते तो। तो गाइस, देखा मैंने आपको क्या क्या कमी बता दी। तो सबसे पहले कमी बताई मैंने आपको कि इसका हैंडल बहुत जल्दी लूज़ हो जाता है, आप एक दो व्हीली मार लोगे ना तो बहुत जल्दी लूज़ जाएगा आपका। और दूसरा मैंने बताया इसका चेन सेट इसका बहुत ही बेकार है, इसको 7000 किलोमीटर चलाने के बाद में इसका चेन सेट पूरा लूज़ हो जाता है, कि अगर आप शोरूम जाएंगे तो वो लोग बोलेंगे कि इसको पूरा सेट को ही, इस प्रॉकेट को ही चेंज करो, लेकिन हमने बाहर से कटिंग करके हमारा काम चल रहा है। और तीसरा मैंने बताया आपको कि इसका जो पीछे का ब्रेकिंग सिस्टम है उसमें ऐसा लगता है कि आपको कि ABS काम नहीं कर रहा है, लेकिन एक्चुअली वो सिस्टम ही, उसका डिफ़ॉल्ट सिस्टम ही ऐसा है कि हल्का सा रपटेगा फिर उसका ABS काम करेगा, पता नहीं वो कैसा बनाया अम्मा वालों ने। बाकी मैंने आपको बताया कि इसका जो मेन हेडलाइट है, जो मेन हेडलाइट अभी जलेगा नहीं क्योंकि मैंने सिस्टम इसका बंद करने वाला बना रखा है, जो मेन हेडलाइट है इसका वो ऑटोमेटिकली कुछ टाइम बाद हल्का सा डाउन हो जाता है, इसका लो बीम मतलब और नीचे हो जाएगा, हाई बीम तो ऑटोमेटिकली नीचे हो ही जाएगा। बाकी मैं आपको क्या बता रहा था मैं, और यार ऐसा कुछ मेजर प्रॉब्लम है नहीं इसका, बाकी मैंने आपको प्रॉब्लम बता दी। एक प्रॉब्लम एक और लगता है मुझे कि यार जब हम इसका TCS ऑफ नहीं कर पाते हैं जब गाड़ी चल रही होती है, तो मतलब कि जब हम गाड़ी राइड कर रहे हैं तो तब ये TCS ऑफ नहीं होगा, उसके लिए हमें गाड़ी को रोकनी ही पड़ेगी, तब उसके बाद TCS ऑफ होगा। यार ये भी एक कमी है, पता नहीं क्यों ऐसा क्यों होता है यार, ऑटोमेटिकली चलते चलते TCS ऑफ हो जाना चाहिए था। और बाकी इसका सिस्टम तो सब कुछ ओके है, अभी तक मैंने ब्लूटूथ कनेक्शन इसका किया नहीं गाइस, और इसका कूलिंग सिस्टम भी ओके है, बाकी ऐसा कोई कूलिंग सिस्टम में कोई कमी नहीं कि गाड़ी बहुत हीटअप हो रही है। 97 के बाद 99 के आसपास में इसका फ़ैन चल जाता है, और गाड़ी एवरेज भी अच्छा दे रही है। बस
ये जो मैंने कभी बताया आपको, ये इसका एक मेजर कमी है और सबसे हट की कमी जो मैंने बताई आपको। और बाकी पार्ट्स कमज़ोर है ये तो यार कॉमन हो गया है, छी वाला पार्ट्स का कमज़ोर है, सबको पता है कि ये पार्ट्स कमज़ोर है। अगर आप इसमें पिलन बैठा के राइड करेंगे उसका थोड़ा वजन चले जाएगा तो ये टूट जाता है, इसलिए मैंने सीट कवर लगा दिया। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है कि सीट कवर लगा लीजिए। ये बाइक डबल राइड के लिए बनी नहीं है, क्योंकि डबल राइड आप करेंगे इसको तो आपको अंडर पावर भी लगेगी और आपको खतरा भी है कि आपका पार्ट्स टूट जाएगा। प्लस यार ये स्पोर्ट बाइक है तो आपको मज़ा नहीं आएगा इसको भगाने में। और 150cc का इंजन यार इतना हैवी इंजन नहीं है, सिंगल राइड करके आपको स्टाइल मारने के लिए 150cc की इंजन बहुत है। VVO टेक्नोलॉजी के कारण ही गाइस इसमें थोड़ा बहुत पावर फील होता है, और VVO टेक्नोलॉजी में ही जब आपका VVO ऑन होता है तभी आप इसको व्हीली कर पाओगे, नॉर्मली बता रहा हूँ मैं। बाकी अगर आपका लाइट वेट है तो आप व्हीली आप इसको 6000 RPM 6500 RPM पे ही कर लोगे, नहीं तो नॉर्मली आपको 7500 RPM के ऊपर ले जाना पड़ेगा तभी आप इसको व्हीली कर पाओगे। बाकी गाइस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन देना था आपको। बाकी आप अगर चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना ऐसी मज़ेदार वीडियो के लिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।